नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दुनिया में फैले कोरोना वायरस पर जीत का सबसे बढ़िया तरीका पाकिस्तान ने निकाला है। जब दुनिया के देश अपनी टेस्टिंग संख्या बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान रोजाना 2 से 3 हजार लोगों की टेस्टिंग कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी 19% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाता है तो संक्रमण का विस्फोट हो जाना तय है। अगर वह टेस्टिंग करना ही बंद कर देता है तो यहाँ कोरोना के मामले शून्य पर आ जाएंगे। इसी फंडे को पूरे पाकिस्तान में लागू कर दिया गया है। तभी तो यहाँ के बुद्धिजीवी जिस तरह विकसित देशों से पाक की तुलना कर रहे हैं, वह हर किसी को चौंका देती है। अब इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाए, पाकिस्तान की इस बुद्धिजीवी महिला के ज्ञान की परख भी कर लेते हैं। आइए सुनते हैं कोरोना वायरस पर यह महिला क्या कह रही है। देखिए, ये एविडेंस कहीं से नहीं मिला है। और अमेरिका और यूके की अगर हम मिसाल देते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पे मिसाल दे देते हैं, 6.5 करोड़ की आबादी है यूके की, और तकरीबन वहां पर जो इन्फेक्शन का रेट था वो आधी से ज्यादा उनकी आबादी इन्फेक्टेड थी, जिसमें से 33,000 के करीब उनका डेथ टोल आया है। उसके बाद उन्होंने भी, हालांकि लॉकडाउन भी चलता रहा, आधी से ज्यादा आबादी इन्फेक्टेड थी यूके की, हर्ड इम्यूनिटी पे गए थे ना शुरू में, और उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया था। हमने 3 करोड़ लोग इम्यूनिटी पे नहीं गए, हम शुरू में लॉकडाउन पे गए। नहीं, आपने कहा 6 करोड़ उनकी आबादी है, तो 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया वहां पे। मुझे इको आ रहा है। देखिए, जिन लोगों को यूके की आबादी के बारे में ही पता नहीं है, जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि यूके में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं, ऐसे लोगों को भारत से कश्मीर लेने के ख्वाब जरूर देखते रहने चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान के मदरसों में 2 तरह की तालीम मिलती है, एक गर्दन कैसे पटकी जाती है और दूसरा पिछवाड़ा कितनी डिग्री पर उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें हुई चूक से सिर पर रखी जालीदार टोपी के गुम होने का लफड़ा है। ठीक ऐसे ही जैसे इस वक्त पीओके पाक की पकड़ से मुक्त होने वाला है, मोदी जैसा चतुर लीडर इन्हीं बेवकूफों का फायदा उठा रहा है। मोदी जानते हैं कि इनकी अकल कितने ग्राम की है, इसलिए सदैव मदरसे की तख्ती के सारे सागर पार करते रहते हैं। इसी कोरोना वायरस के नाम पर चीन इन्हें 10 रुपए का माल 1,000 रुपए में बेच रहा है, जब अमेरिका जैसा मुल्क खिलौनों की जांच भी इसलिए करता है कि कहीं उसके रंग से बच्चों को एलर्जी तो नहीं होगी, पाकिस्तान में चीनी माल धड़ल्ले से बिक रहा है। वह सब इसलिए हो पाया क्योंकि एशिया के इस हिस्से में सबसे अकलमंद इसी मदरसा मुल्क में मिलते हैं। पर हालात तो इससे भी ज्यादा चमत्कारिक है। पाकिस्तान की सरकारी लैब से आने वाली कोरोना जांच रिपोर्ट 98% नेगेटिव आ रही है, जबकि प्राइवेट लैब की 88% रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। अब इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है, इसे या तो इमरान लोंडा जानता है या फिर कोरोना केस के आंकड़े अपडेट करने वाले लोग जानते हैं। बड़ी बात यह है कि क्वारंटीन सेंटर में कोरोना निगेटिव पाए गए लोगों को रिश्वत देकर छुट्टी मिल रही है। विदेशों से मुल्क में आने वालों से लोग यही कह रहे हैं, मत आइए पाकिस्तान, कोरोना से बच गए तो क्वारंटीन में लूट बैठोगे। यह उस मुल्क में हो रहा है जिसने तब्दीली के नाम पर गधैया नर्तक के तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। आज अगर भारत में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं तो यह भारत की पारदर्शिता है। अमेरिका सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला देश है, जबकि कोरोना टेस्टिंग के मामले में भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि कोरोना जांच का जितना दायरा बढ़ेगा, मरीज उसी अनुपात में सामने आएंगे। पर भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां रिकवरी रेट 29% से ऊपर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान द्वारा आंकड़ों में हेरफेरी का नतीजा यह है कि यहाँ के बुद्धिजीवी विकसित मुल्कों से खुद की तुलना कर रहे हैं, पर धरातल पर स्थिति बिल्कुल उलट है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।